रात का पूरा वर्षा लेते हैं। बाबा ने ऐसा कौन सा ईश्वरीय नियम बनाया हुआ है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते हैं, सौकार नहीं ले पाते? क्या नियम है ऐसा? ऐसा क्या नियम बाबा ने बनाया है जो कोई भी सौकार उसको नहीं ले पाते और गरीब उसे ले पाते? बाबा गरीब निवास है, परमात्मा जो है वो गरीब निवास है। एक बात, ये भक्ति मार्ग की बात भी है और ज्ञान मार्ग की भी बात है। और अब बाबा ने कौन सा नियम बनाया हुआ है? ये बाबा गरीब निवास है, बाबा आकर कहते नियम ये है कि ईश्वरीय नियम है, ये पूरा बेगर बनो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। बेगर किसे कहते हैं, कौन बताएगा? भिखारी, हाँ जी, अपना कहने के लिए कुछ ना हो, जिसके पास अपना कहने के लिए कुछ ना हो वो है बेगर। जिसके पास यदि अपना कहने के लिए एक कटोरी भी है, अपना कहने के लिए ये शरीर भी है, यदि वो ये कहता है कि मेरा शरीर, तो भी वो बेगर नहीं है। संसार की कोई भी वस्तु उसके पास कहने के लिए है मेरी है, तो वो बेगर नहीं है। बेगर वो है जिसके पास मेरा कहने के लिए कुछ भी ना हो। हम दुनिया में बेगर समझते थे भिखारी को, जो भी मांगे, परंतु आप देखेंगे कि भिखारियों के पास भी बहुत कुछ होता है। भिखारी भी ब्याज पर पैसे देते हैं, बिजनेस करते हैं। तो हमें बहुत ध्यान से समझना है, बाबा कहते भिखारी माना, बेगर माना, जिसके पास मेरा कहने के लिए कुछ भी ना हो। मेरा हाथ, मेरी आंखें, मेरा शरीर, ये मेरा कहने के लिए है ना, तो वो बेगर नहीं है। तो हमें क्या बनना होगा? कैसे पता लगेगा कि हम बेगर बन गए? कैसे पता लगे? जो कुछ भी है, तन मन धन बाबा को दे देंगे। तन मन धन बाबा को दे देंगे, फिर हम क्या रहेंगे? तन भी बाबा का, मन भी बाबा का, धन भी बाबा का, तो फिर हम कौन? बेगर। हम आत्मा, हम बेगर बन जाएंगे, आत्मा समझेंगे। हाँ, आत्मा हो जाएंगे, और कुछ राय नहीं, मैं आत्मा हूं बस। और उसके बाद जो है मेरा कह सकते हैं बाबा को, तब कह सकते हैं मेरा बाबा। यदि हम अपने को आत्मा निश्चय नहीं किया, तो हम बाबा को भी मेरा नहीं बना सकते। कहते रहे परंतु बाबा मेरा बनेगा नहीं, क्योंकि जब कोई भी मेरा है बीच में, तो बाबा मेरा नहीं बन सकता। ये लाइन याद रखनी है। यदि मेरा शरीर है, फिर हम कह रहे हैं मेरा बाबा, तो क्या बाबा मेरा नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा, कौन बताएगा? मैं मेरा शरीर कह करके फिर मैं मेरा बाबा कहता हूं, बाबा मेरा नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि भाई जी, देह भान रहेगा, शरीर का ध्यान रहेगा, फिर उससे नहीं हुआ, उससे क्या फर्क होगा? बाबा फिर आत्मा से बात करते हैं। बाबा आत्मा से बात करते हैं। मैं भी समझ रहा हूं मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, मेरा बाबा है। अब पर भाई जी, जैसे कह रहे हैं बाबा, तो जैसे तार होती है ना, बिना हाँ लगी हुए कवर की, हम बिना, मतलब बाबा बिना कवर के तार है, हम कवर वाली है, हम हमारे ऊपर ये रबर वाला शरीर चिपका हुआ है, अब हमारा कनेक्शन बाबा के साथ नहीं जुड़ सकता, कितने लपेटे मार ले। तो हमारा कनेक्शन तभी जुड़ेगा जब हम ये रबड़ वाला शरीर उतार कर फेंक देंगे। समझ गए बात को? तो इसलिए पूरा बेगर बनना माना कुछ भी मेरा नहीं कहना।
मेरा चिपका रखा हो और हम ऊपर से कहते रहे भक्ति मार्ग में जैसे रोजाना मंदिर में जाके कहते थे तन मन धन सब तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, परंतु देते तो थे ही नहीं, वापस वैसे के वैसे लेके आ जाते थे। अभी भी बाबा के बच्चे भी भक्ति की तरह गाते रहते हैं बाबा तन मन धन सब तेरा है। परंतु पूछकर देखे अपने आप से क्या हमने बाबा को दिया, पूरा बेगर बनो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ, यहां देना वेना किसी को नहीं है, उसे भूल जाओ। ये भी एक नई बात है, भूल जाने का मतलब क्या समझे हम, उसी से भूल जाओ, क्या मतलब, मतलब हमारा कुछ भी नहीं है, ये तो मोह माया है हमारा अपना अपना करने के लिए, वो वाली सब। फिर क्या करें हम, ट्रस्टी होके संभालो उसे, ट्रस्टी होकर उसको संभालो, रखना अपने पास है, फेंक भी नहीं देना है, ट्रस्टी होकर संभालना है। ट्रस्टी कैसे संभालता है, क्या अंतर होता है गृहस्थी के संभालने में और ट्रस्टी के संभालने में, ट्रस्टी के संभालने में और गृहस्थी के संभालने में क्या अंतर है, ट्रस्टी संभालेगा जब किसी और का कह के संभालेगा और गृहस्थी संभालेगा तो मेरा मेरा कह के संभालेगा, गृहस्थी समझेगा ये मेरा है और ट्रस्टी समझेगा ये मेरा नहीं है, ये तो परम पिता परम आत्मा का है, परमात्मा का तो है तो ये सब का है, परमात्मा का है तो सब का है, मैं केवल इसको संभालने के निमित्त हूं, मैं इसको देखभाल करने के निमित्त हूं, कोई इसको नुकसान ना पहुंचाए मैं इसके निमित्त हूं, परंतु होता है नुकसान तो मैं कर क्या सकता, मेरी लापरवाही नहीं हो, परंतु उसके बावजूद मेरी सतर्कता के बाद भी कुछ भी होता है तो फिर मैं क्या कर सकता, फिर मुझे दुख नहीं, किसका नुकसान हुआ, परमात्मा का नुकसान हुआ, मेरा नुकसान नहीं हुआ, मैंने तो अपनी तरफ से संभाल किया फिर भी नुकसान हुआ तो परमपिता परमात्मा का हुआ। और यहां हमें अभी इसके साथ जोड़ देना है, इसको प्रैक्टिकल समझने के लिए याद रखना है कि जो चीज मुझे प्रयोग करनी है चाहे वो मेरे पास है या नहीं है वो मेरे पास आ जाएगी, और जिसको मैंने ये प्रयोग नहीं करना है, मैंने प्रयोग नहीं करना है वो किसी के भी पास है चाहे वो मेरी है, परंतु उसे वो यूज करेगा जो जिसने उसको यूज करना है। तो इसलिए मेरी कह के अपना बोझा क्यों बढ़ाऊं, जिसने जिस चीज को प्रयोग करना है वो आकर मेरे से लेगा और उसे प्रयोग करेगा, तो नाटक के अनुसार हम सारी आत्माएं एक्टर हैं, जिस जिसने जिस जिस चीज को प्रयोग करना है वो चीज उसके पास चली जाएगी, उसका मालिक चाहे कोई भी हो वो उसे उपयोग करेगा, यह हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, एग्जाम्पल देने की जरूरत हो तो पूछो, यही एक विधि है जिसके आधार से हम बैगर बनते हैं। जो चीज मैं यूज कर रहा हूं, जितनी समय तक यूज कर रहा हूं, मैं उसे यूज कर रहा हूं, जब उसे यूज करने का समय खत्म होगा तो मैं उसे अलग हो जाऊंगा, वो मेरे पास नहीं रहेगी। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से अपने आप को समझा देनी है। बच्चे बहुत ही भूल जाते हैं,
परंतु सौकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं। गरीब बच्चे क्यों भूल जाते हैं? गरीब बच्चों के पास झोपड़ी है, एक टाइम का खाना है, दे देंगे किसी को भी, ले ले भाई कल हम और कमा लेंगे। अमीर नहीं दे सकता, उसने तो 5 साल का इकट्ठा करके रखा है अनाज, आई वेल के लिए पैसे बैंक में जमा करके रखे हुए हैं, वो नहीं दे सकता। गरीब तुरंत दे देगा, बुद्धि में कुछ भूलता नहीं। और इसलिए जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते हैं वो सच्चे योगी बन नहीं सकते। जिनको कौन कौन याद रहते हैं? धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते हैं वे सच्चे योगी बन ही नहीं सकते, उन्हें स्वर्ग में उच्च पद नहीं मिल सकता, उन्हें स्वर्ग में उच्च पद नहीं मिल सकता। ओम शांति। मीठे मीठे निश्चय बुद्धि।